हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल की सेवा में स्वागत है। चलिए तो फिर आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कान्हा जी के लिए छोटा सा प्यारा सा बेडरूम बनाया है और वो बेडरूम मैंने किस तरह से डेकोरेट किया है, ये चीज़ें मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए तो फिर आइए देखते हैं कान्हा जी का छोटा सा बेडरूम। आइए तो फिर शुरुआत करते हैं। देखिए बेडरूम में यह सबसे पहले मैंने रखा है सोफ़ा लेफ्ट साइड में, फिर रखी है मुद्दा चेयर। इस तरह से वॉल भी डेकोरेट की है, जिस प्रकार से हम अपने बेडरूम में अपनी खुद की तस्वीर लगाते हैं, फ़ोटोज़ लगाते हैं, इस प्रकार कान्हा जी की बेडरूम में मैंने कान्हा जी की छोटी सी प्यारी सी तस्वीर लगाई है। वॉल इस तरह से डेकोरेट की है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मैंने टेबल और चेयर रखे हैं बैठने के लिए। नेक्स्ट है लेफ्ट कॉर्नर में छोटी सी अलमारी रख दी है कान्हा जी के कपड़े रखने के लिए, मुकुट रखने के लिए। ये देखिए ये कान्हा जी की अलमारी है छोटी सी। ठीक साइड में दर्पण सेवा के लिए कान्हा जी के लिए ड्रेसिंग टेबल रखा है, यहाँ पर कान्हा जी अपना श्रृंगार कर सकते हैं। फिर एक टेबल रखा है, उस पर टेडी रखा है छोटा सा, लड्डू गोपाल को खेलने के लिए टेडी। उसके ठीक साइड में रखी है मक्खन की मटकी। जैसे हम सबको पता है कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए माखन की मटकी रख दी है टेबल पर, कान्हा जी का मन हो जाए तब खा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे बेड रख दिया है। बेड भी मैंने बिल्कुल शाही बेड बनाया है, कान्हा जी को आराम कर सके। देखिए इस तरह से ये बेड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये देखिए बेड के राइट हैंड साइड में मैंने एक टेबल रख दिया है, उस टेबल पर एक चाय का मग रख दिया है और कान्हा जी का गॉगल है वो भी कान्हा जी ने टेबल पर रख दिया है अभी, क्योंकि बेड पर आराम करते करते कान्हा जी गॉगल लगा कर तो नहीं कर सकते ना। जब भी मेरे कान्हा जी का बाहर जाने का मन होगा कान्हा जी गॉगल लगा कर जा सकते हैं, इसलिए राइट हैंड साइड में रख दिया है गॉगल, ताकि आसानी से कान्हा जी को दिख जाए। ठीक सामने यहाँ पर देखिए एक मैट रखी है, उस मैट पर कान्हा जी की चप्पलें रखी है। ये बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी चप्पलें हैं मेरे कान्हा जी की, स्लीपर्स है घर में पहनने की। ये देखिए ठीक सामने मैंने कान्हा जी के खिलौने रख दिए हैं, ये छोटे छोटे प्यारे खिलौने मेरे कान्हा जी को खेलने के लिए है। राइट हैंड साइड में मैंने और एक मटकी रख दी है, जैसे हम सबको पता है कान्हा जी को माखन बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और देखिए ये हमारे कान्हा जी बेड पर विराजमान हो चुकी है और बेड पर बैठे बैठे हमारे कान्हा जी तो कैरम भी खेल रहे हैं। देखो तो ज़रा कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। इस प्रकार से कैरम खेल रहे हैं लड्डू गोपाल। और भी मेरे पास खिलौने हैं, मैं कान्हा जी को अलग अलग टाइम पे अलग अलग खिलौने खेलने के लिए देती हूँ। ये मेरा कान्हा जी के प्रति भाव है, इस प्रकार से मैं मेरे कान्हा की सेवा करती हूँ। देखिए और लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा टेबल है, उस टेबल पे मैंने फ्लावर पॉट बनाया है वो रख दिया है, उसमें ताज़े फूल, ताकि उसकी अच्छी सुगंध आनी चाहिए। देखिए इस तरह से मेरे कान्हा जी का रूम डेकोरेट हो गया है और कान्हा जी का रूम डेकोरेट होने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है। ये जो बेडरूम की सारी चीज़ें हैं, सोफ़ा, मिनी कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, बेड, ये सब कुछ मैंने घर पर ही बनाया है कान्हा जी के लिए। अगर आपको ये सारे वीडियोस देखने हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो में मैंने इसकी लिंक भी दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको अगर देखने हो कैसे बनाइए तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत ही ज़्यादा छोटा सा प्यारा सा बेडरूम बन गया है मेरे कान्हा का और इस पर मैं मेरे कान्हा को बेड पर रोज़ सुलाती हूँ। इस तरह से मैं मेरे कान्हा की सेवा करती हूँ।
देखिए तो एक बार फिर से हम हमारे कान्हा जी के दर्शन कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। आपको अगर मेरा चैनल और ये मेरा वीडियो और मेरे कान्हा जी का बेडरूम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इस तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। हरे कृष्णा।